और इसके बाद में जो धरती के देवता हैं, धरती का देवता किसको कहा? यहां गोस्वामी जी ने ब्राह्मण को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरे जो धरती के देवता हैं ब्राह्मण, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? मोह जनित संशय सब हरना, जो अपनी विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संसार के प्राणियों के मोह का हरण करते हैं, नाना प्रकार के पुराण कथा आदि माध्यम से। पहले ब्राह्मण ही महाराज ये कथा आदि, आजकल तो सभी लोग इसमें आ गए, पर जो आधिकारिक रूप से जो अधिकार है, चाहे रामायण गीता भागवत को आप उठा करके देखो, वो भगवान ने ब्राह्मण को ही दिया है। हर आदमी को अपना अलग अलग कार्य प्रदान किया है। भागवत के महात्म्य के छठे अध्याय के 20वें श्लोक में भी जब वक्ता का लक्षण बताया तो वहां भी कहा कि विरक्त वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो। बोले वक्ता कैसा हो, आजकल तो जो बकने लग जाए वही वक्ता, बस बकना आना चाहिए सो वक्ता बन जाता आदमी। तो वहां पर भागवत के महात्म्य के छठे अध्याय के 20वें श्लोक में आप भागवत जी को उठा के देखिएगा, वहां लिखा है विरक्त मतलब संतोषी हो, वैष्णव दीक्षा लिया हो, और विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत पढ़ा लिखा हो, वेद शास्त्र का जानकार हो, दृष्टांत है कुशलो धीरो, श्लोकों को दृष्टांत देकर के समझा सके कि हमारे जीवन में ये क्या शिक्षा दे रहे हैं। वक्ता ऐसा है, वही बात यहां पर लिखी है कि जो ब्राह्मण देव अपने ज्ञान के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और जीवों के संशय को दूर करने वाले हैं, ऐसे भूदेवों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और भूदेवों के चरणों में प्रणाम करने के बाद में संतों के चरणों में, संत वो संत जिनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बोले जो